झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने देवघर में हुंकार भरी। तेजस्वी के संकल्प सभा में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उनके पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी लालू जी से डरती है, इसलिए उन पर तमाम तरह के मुकदमे लगा दिए गए हैं। भाजपा वाला लोग का सही इलाज हमारे बाबू जी करते हैं, इसीलिए सब साजिश करके भेज दिया, लेकिन अभी बेचैन है। हमको तो लगता था हमारे बाबू जी से इनको डर लग रहा है, अब तो लग रहा है हमरों से डर लग रहा है, हमरों पर मुकदमा कर दिया। अब माफ कीजिएगा, बिहार में बहुत तरह का अफवाह फैलाया गया, फलना भाजपा में चल जाएगा, भाजपा में जाएगा। जब हमारे बाबू जी भाजपा में नहीं गए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्म निरपेक्षता के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया, अडवाणी जी के रथ को रोकने का काम किया, एक दंगा फसाद बिहार की धरती पर नहीं होने दिया जब राज किया, हम लोग गरीबों के लिए मर जाएंगे लेकिन भाजपा के आगे नहीं झुकेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके परिवार के हर एक सदस्य पर मुकदमों का अंबार लगा दिया गया है, इसके बावजूद वे बीजेपी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे पिता ने संघर्ष किया, आज तक नहीं झुके, चाहे कितना साजिशों का अंबार लगाया गया हो। मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे सातों बहनों पे मुकदमा, मेरे ऊपर। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सेना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। आ गया इतना गोला बारूद आ गया, अरे मोदी जी चलो ठीक है पाकिस्तान से खतरा है, लेकिन इसके लिए हमारी सेना सक्षम है जवाब देने के लिए। आप अपना काम कीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, गरीबी को दूर कीजिए, भुखमरी को हटाइए, किसानों का कर्ज माफ कीजिए, ये भी देशभक्ति है, ये भी राष्ट्रवाद है। अगर नौजवान को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी मिटेगी, तो देश की तरक्की होगी कि नहीं होगी, देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और देखो मामला तो ये, प्रधानमंत्री का तो की काम होना चाहिए, लेकिन सेना तो हमेशा मोदी जी से पहले सेना काम नहीं करती थी क्या? करती थी ना। अब मोदी जी पाकिस्तान का दो फाक कौन किया, वही भारतीय सेना की कि नहीं की जब मोदी जी नहीं थे? मतलब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी जी दे रहेंगे तो सेना कोई काम ही नहीं करेगा, ये तो सेना की बेइज्जती है। सेना पहले भी आतंकवादियों को जवाब देता था, आज भी दे रहा है और कल भी देगा। आरजेडी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस महागठबंधन में आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवघर से विजय कुमार की रिपोर्ट।